घर में खिला खिला चेहरा करो सबका, जब बनाकर खिलाओगे उनको एक दाल तड़का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और तन्नु मन्नु देसी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एंट्री देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किस चीज़ का आज वीडियो लेकर आई हूँ। तो फिर चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए एक कटोरी मिक्स दाल ले लिया है, और ना आप कोई सा भी ग्रोसरी स्टोर में ना इसको इजीली ख़रीद सकते हो, और नहीं मिले तो आप ना ऑनलाइन भी इसको ख़रीद सकते हो। और मैंने यहाँ पे देखिए मिक्स दाल में लिया है ग्रीन मूंग का दाल, मसूर का दाल, चने का दाल और यहाँ पे राजमा है। इसको कुक करने के 2 घंटे पहले ना मैं इसको अच्छे से धोकर ना 2-3 पानी में भिगो दी थी। इससे क्या होता है हमारा जो दाल है ना वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाता है, तो आप भी भिगो दीजिएगा। 2 घंटे बाद देखिए हमारा मिक्स दाल जो है ना पहले से सॉफ्ट हो चुका है। अभी क्या करूँगी इसको कुकर में डाल के ना 1/2 ग्लास पानी, 1 कप के करीब पानी यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और अभी देखिए 1/2 टीस्पून यहाँ पे नमक ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून यहाँ पे तीखी मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ऐड करके ना मैं इसको मतलब कुकर में चढ़ा दूँगी। 4 से 5 सीटी आने तक को ओवन पे रखूँगी इसको। तो जब तक कि हमारा दाल गल रहा है तब तक देखिए हम यहाँ पे वेजीज कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है देखिए, तो सब्जियों में मैंने देखिए यहाँ पे लिया 1 इंच अदरक और 9 से 10 लहसुन की कली, 4 हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, 1 टमाटर, 2 मीडियम साइज का प्याज, 2 अंडा और 1 धनिया पत्ता। तीखा यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कमियाँ ज़्यादा आप कर सकते हो। मैं वेजीज जब भी बनाती हूँ फ्रेंड इसी तरीके से मतलब अक्खा पहले इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ और तब जाके मैं वेजीज को चॉप कर लेती हूँ, और अभी भी मैं यहाँ पे यही प्रोसेस कर रही हूँ। आज की रेसिपी जो मैं शेयर कर रही हूँ ना फ्रेंड, इस रेसिपी से ना मेरी पास्ट की बहुत सी चीज़ें ना जुड़ी हुई है, क्योंकि ये जो तड़का की रेसिपी है ना ये मेरे अब्बा जी की रेसिपी है और उनके हाथ की रेसिपी बहुत स्वादिष्ट बनती थी जो अभी भी मैं बहुत मिस करती हूँ। तो अभी मेरे अब्बू और मेरी जो माँ है ना अभी तो फ़िलहाल वो है नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ उनकी तरह रेसिपी बनाने की। और यकीन मानिए फ्रेंड, उनके हाथों में जो जादू था ना, उनके हाथ का जो स्वाद था ना, मैं मतलब जितना भी अच्छे से बनाऊँ ना वो नहीं आता। वो कहते हैं ना अम्मी अब्बा के हाथों के अगर एक बार चीज़ बनाओ तो वो ज़ुबा पर रह जाती है। मैं जो रेसिपी बनाती हूँ ना घर में सभी लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो अम्मी अब्बू की जो रेसिपी थी ना वो तो मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब कहते हैं ना अम्मी अब्बू कर सकते हैं वो बच्चे नहीं, तो ऐसा ही कुछ होता है मेरे साथ भी। आप लोगों के साथ कुछ पास्ट की बातें करते करते देखिए मेरा जो वेजीज है वो भी कट चुका है, और अभी चलिए दाल को देखते हैं। मीडियम फ्लेम में 3 सीटी आने के बाद ना लो फ्लेम में मैं 2 सीटी लगाई थी, और देखिए दाल बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पका हुआ है जैसा मैं चाह रही थी। तो राजमा भी बहुत बढ़िया तरीके से गल चुका है। अभी मैं पैन में देखिए 1 टीस्पून यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी, और जो अंडा है ना 2 अंडा को यहाँ पे ऐड करके स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इसका भुर्जी बना लूँगी। अभी हमारा अंडा भुर्जी हो चुका है तो मैं अभी पैन से इसको निकाल लूँगी। सेम पैन पे देखिए मैं यहाँ पे बड़े चम्मच का 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। सरसों का तेल से ना इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है, लेकिन आप अगर वेजिटेबल ऑयल से इसको पकाना चाहते हो तो आप वेजिटेबल ऑयल से भी इसको पका सकते हो। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए ना मैं यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे जीरा ऐड करूँगी, और यहाँ पर देखिए मैं सूखी मिर्च पहले ऐड करना भूल चुकी थी तो मैं अभी सूखी मिर्च दे रही हूँ, कोई बात नहीं। और अभी देखिए हमारा जीरा भी अच्छी तरीके से लाल हो चुका है, तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी चॉप किया हुआ यहाँ पे लहसुन ऐड कर दूँगी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हिलाने के बाद ना यहाँ पे अदरक भी ऐड कर दूँगी। लहसुन और अदरक को देखिए थोड़ा सा कलर चेंज होने तक को पकाएंगे, और जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए ना अभी यहाँ पे हमारा चॉप किया हुआ प्याज को भी ऐड कर देंगे। प्याज को चलाते हुए देखिए यहाँ पे हम लोग ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर देंगे, और तीखा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हो। प्याज का कलर जब पिंक हो जाए ना तभी यहाँ पे हम चॉप किया हुआ टमाटर को भी ऐड कर देंगे, जिसमें कि टमाटर जल्दी गल जाए हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से सॉफ्ट होने तक को पकाएंगे। हमने दाल में पहले भी सॉल्ट दिया है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत से वक्त क्या होता है याद नहीं रहता तो नमक ज़्यादा हो जाता है, तो सॉल्ट पहले कम ही दीजिए। 2 मिनट तक लो फ्लेम में पकने के बाद देखिए हमारा टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे इसको अच्छे से ना स्मैश कर लेंगे, जिससे कि टमाटर अगर होना मतलब गिल्ट वगैरह होना वो अच्छे से दब जाए। अब दब जाने के बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दाल को यहाँ पर डाल देंगे इसमें।
अब कुकर को धोकर थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए पानी ऐड करूँगी, क्योंकि फ्लेम ना नहीं तो क्या होएगा, पूरा यहाँ पे दाल जो है गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड की हूँ। अब दाल डालने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो एक भुर्जी था, एक भुर्जी को भी ऐड कर देंगे। और देखिए अभी ना इसको थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर देने के लिए ना मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर ऐड करूँगी। आपके पास अगर अमचूर पाउडर ना हो ना, आप यहाँ पे खाते वक्त ना थोड़ा सा नींबू निचोड़ के अगर खाओगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगा खाने में। अब यहाँ पे एंड में जितना चाहो उतना धनिया पत्ता ऐड करो, क्योंकि धनिया पत्ता से तो इसका फ्रेग्रेंस दोगुना बढ़ जाता है। तो धनिया पत्ता जितना चाहो उतना डालते रहो, और यहाँ पे अपनी पसंद के हिसाब से। अब फिर से 2 मिनट तक ढककर मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। और 2 मिनट बाद देखिए हमारा यहाँ पे तड़का बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस निकला है, और आप इसको एंजॉय कर सकते हो, रोटी पराठा पूरी नान चावल के संग भी खा सकते हो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। और देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुका है। और फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो लोग नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। हमारा तड़का तो तैयार है, चलिए अभी इसका स्वाद दुगना बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड तड़का हो और छोंकना हो ये तो कुछ हजम नहीं हुआ ना। जी हाँ, तो छोंक के लिए मैं अभी देखिए अभी यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ऐड की हूँ, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हूँ लहसुन। और लहसुन ऐड करने के बाद देखिए, और हाँ छोंक लगाते वक्त ना आप अपना ओवन बिल्कुल लो रखिएगा। अभी ऐड कर दी हूँ यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता, और इसका कलर अच्छा आने के लिए ना मैं यहाँ पे देखिए कश्मीरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। और देखिए अभी मैं एंड में यहाँ पे ऐड कर दूँगी घी, और ओवन को मैं बंद करती हूँ, नहीं तो हमारा मसाला जो है जल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है, आप अगर चाहो तो यहाँ पे बटर भी ऐड कर सकते हो। अभी देखिए छोंक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये रहा हमारा तड़का का फाइनल लुक। तो चलिए अभी हम लोग इसको प्लेटिंग कर लेंगे। अभी हमारा प्लेटिंग भी तैयार है, तो चलिए आज टेस्टिंग कर ही लेते हैं। इसको खाने के बाद ना फ्रेंड मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ घूम रहा था, सो यम्मी सो डिलीशियस जस्ट टेस्ट लाइक अ वाव, जस्ट टेस्ट लाइक अ वाव। और इतना टेस्टी हुआ था ना, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था कि एक निवाला से क्या होगा, तो मैं ये भी खाते रही। तो फ्रेंड अब तो विदा करता हूं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।